या रहमान रहीम, आपका तारा वफार है, हम आपसे आपके हबीब यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्ता मानते हैं। सरकार के वसीले से हमारी खतराओं को माफ़ फरमा दे, बख्शिश फरमा दे, अजाब जहन्नुम से रिहायत फरमा दे, खैर रहे, बरकत रहे, ईमान सलामत रहे। इस्तग़फ़ार जो आपने सुनला के दर से हमको रामों को मिली है, हम इस्तग़फ़ार के लिए कायम कायम रहे। और या इलाही ताबवत प्रसिद्ध माही इजरात की चिश्तियां रातो सिनाई आमीन कर रहे तक याद रखना। ए हुजूर की दुआ मांगता हूं कि मेरे भांजे जनाब सैयद फजल अलहार सैयद फजल हैं, उनको सेहत और सलामत अता करना। और अपनी में दुआ करता हूं मेरे उम्मती हुजूर पाक फरमाते उम्मती वो होता है जिसका नूर होता है, जिसके अंदर नूर है ना वो हुआ, जिसका अगर नूर निकलता गया ना तो सुन्नी शिया वाली बनता गया। ये बात है, अब अगर दोबारा तो मैं नूर आ जाता न सुन्नी का न शिया का वाली हुजूर पाक ने जो शफात करेंगे ना वो उम्मतियों की करेंगे ना, सुन्नी शिया वाली भी नहीं करेंगे, या आपस में लड़ेंगे, सिर्फ उम्मती की शफात करेंगे। अब उम्मती की जब शफात करेंगे, उम्मती अल्लाह और उसके हबीब की मर्जी होती है तो उम्मती बनता है ना, अल्लाह उसके हबीब की मर्जी वो उम्मती बनता है, जिनकी उसकी मर्जियाँ नहीं होती हैं ना वो उम्मत से खारिज हो जाता है, तो सुन्नी शिया वहाबी के चक्कर में लग जाता है, तो वो उसको मारता है, उसको मारता है, उसको मारता है, वो उसको काफर कहता है, वो उसको काफर कहता है, कहता है ना क्यों काफर कहता है, उसमें भी नफ्स काफर, उसमें भी नफ्स काफर, उसमें भी नफ्स काफर। उधर हुजूर पाक ने फरमाया कि मोमिन सब भाई भाई है, भाई का जो रिश्ता होता है या तो खून से होता है या नूर से होता है, अगर तेरा खून का रिश्ता नहीं है तो नूर का भी रिश्ता नहीं है, भाई भाई नहीं है, या खून का रिश्ता है या नूर का रिश्ता है, नूर का रिश्ता होगा तो तू भी नूरी तो वो भी नूरी तो होगा, सॉरी एक। अब वो नूर बनने के लिए वो जो नूर बनने का तरीका था वो है ना बलियन दरबार में तुम जाते हो ना, उन लोगों ने वो तरीका पाया था, वो तरीका सिखाया था, इनके बाद फिर जो वली आया उसने सिखाया ना, पीछे जो गद्दी नशीन या सजादा नशीन उनके पास तो ये तरीका नहीं होता, ये वलैत जो होती है ना ये नस्ल दर नस्ल नहीं होती है। आज इनके मुर्शिद बाबा फरीद भाई इनकी औलाद में क्यों नहीं रहे, बाबा फरीद के मुर्शिद इख्तियार काकी उनकी औलाद में क्यों नहीं रहे, इख्तियार काकी के मुर्शिद इसमें औलाद या खुलफा का सिलसिला ही नहीं है। हाँ ये बात, इन लोगों ने वलियों को छोड़ के इधर खुलफा या सजादों के पीछे लग गए तो उनको ये चीज़ तो नहीं होती। अल्लाह सजादा नशीन गद्दी नशीन ये हैं कि उन लोगों के कायम करके रखते हैं जो उनके बाप दादा के जो मरीज थे ना उनको कायम करके रखते हैं कि भटके नहीं, लेकिन जब वली आता है ना तो उसको उधर भेजते हैं ना। अब ये है ना अब ये खुद ही वली बन के बैठ जाते हैं, मुसीबत तो ये ना अच्छा ये वली सुनते भी हैं वली है तो पर्दा डाल देते हैं कोई उधर जाए नहीं बस। ओए 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 जी हुजूर, अगर उधर चला गया मेरे दो चार पे नजराना देता वो कौन देगा। अल्लाह अकबर। अच्छा अब इनमें से कोई वली हो भी सकते हैं, ये नहीं वली नहीं होते, इनमें हो भी सकते हैं लेकिन सारे तो नहीं हो सकते, मतलब नहीं हमें आप अपने आप से मतलब है, हमने अल्लाह को पाया। अभी हम कहीं बैत भी होते हैं या दरबार भी जाते हैं तो अल्लाह भी जाते हैं, अब हमने अल्लाह को पाया, अगर हमको अल्लाह मिल जाए ना हमारे हमारे लिए अल्लाह का ज़रूरत नहीं,
हाँ ठीक है, इनकी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन फिर हमारे लिए अपने काम अब अल्लाह मिलता कैसे। मुसलमान कहते हैं हम काबे में जाते हैं, हिंदू बोलता है क्यों जाता है, अल्लाह के लिए, वो बोलता है तुमने अल्लाह बैठा देखा है, कहता कौन नहीं है। मुसलमान कहता तू बताओ क्यों पूछता है, वो कहता अल्लाह के लिए, वो कहता ये तुम्हें खुद बनाई अल्लाह है, ना उसको काबे में अल्लाह मिला है ना इसको बुतों में अल्लाह मिला है। आए जिसने दिल में अल्लाह को ढूंढा उसने अल्लाह को पा लिया, ये राज है, क्योंकि अल्लाह इन दिलों में, ये अल्लाह का ये घर है, वो मजमू इबादत की जगह है, वहाँ इकट्ठे जाके इबादत करो। ओहो अगर वहाँ जाके यहाँ जब अल्लाह आ जाता है यकीन कर वो काबा इधर आता है। अल्लाह अकबर, जब रब बसरी के दिल पर काबा आया ना उस काबे को जा उसका बसरी का तवाफ कर। तुझे इब्राहिम अलैहि सलाम ने गारे मिट्टी से बनाया, इसको मैंने अपने नूर से बनाया, इलामा फरमाते हैं इस काबे को हजार काबों से फजीलत है, ये जो काबा हजार वो काबे उनसे भी ज्यादा इसको फजीलत है अगर यहाँ काबा बस सकता। बाजी बस्तानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं एक अरसा से काबे का तवाफ लगाता रहा, बड़ा अरसा हो गया, अब जब मेरे अंदर अल्लाह आ गया तब एक अरसा हो गया काबा मेरा तवाफ लगा। लेकिन अब रहा सवाल अंदर अल्लाह आए तो, लेकिन ये शर्त या गारंटी है अल्लाह काबे में बैठा हुआ, लेकिन ये शर्त या हदीस कहती है, कुरान भी फरमाता है कि मैं तेरे अंदर तेरे रख की तस्दीक, ये बात है कुरान भी कहता है ना, हदीस भी कहती है कि मैं तेरे अंदर, वो एक इबादत की जगह तेरी। अच्छा अब अगर तेरे अंदर यहाँ नहीं आता तो वहाँ ढूंढने के लिए जा ना, अगर यहाँ आ गया तो वो उधर आएगा ना, अल्लाह अकबर, ये राज है। अच्छा अब वो अंदर कैसे आता है, इसको अपने अंदर जज़्ब करना है अल्लाह, इसके लिए पहले 66 मरतबा कागज़ के ऊपर अल्लाह लिखते हैं, रोज़ लिखें जब भी जी चाहे लिखें, आप थोड़े दिन लिखेंगे ना तो कागज़ पर लिखते ना तुम्हारी आँखों में तैरना शुरू करें, वो तस्वर आँखों में आ गया ना, या जीरो के बल्ब पर अल्लाह लिखें पीले रंग से, रात को सोने लगे उसको देखते हैं, एक दिन आएगा जो आप बल्ब पर लिखा हुआ है ना वो भी तुम्हारी आँखों में तैरना शुरू करें। तो कुछ लोग मिसमेजम करते हैं, चिराग की रोशनी को देखते रहते हैं, एक दिन आता है कि वो रोशनी उनकी आंखों में आ जाती है, तो सुना है, फिर वो शीशे के गिलास पे नज़र मारते हैं ना वो गिलास क्रैक हो जाती है उस रोशनी की ताकत से। लेकिन अब जब आप अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह की रोशनी जब आपकी आंखों में आएगी तो फिर आप तवज्जो से दिल पर नज़र उतारेंगे तो वो अल्लाह की रोशनी अल्लाह लिखा हुआ सीधा आपके दिल पर चला जाएगा, जब दिल पे लिखा जाएगा ना उस वक्त तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, वो तुम्हारी तस्वीर है, वो कहे टेक 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 टेक, उस टेक टेक के साथ अल्लाह हुक्म मिलाए, घड़ी घड़ी तसव्वुर करेंगे तो दिल की धड़कनें अल्लाह हुक्म में तब्दील हो जाएंगे, रात को सोने लगे उंगली कलम ख्याल करें तसव्वुर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते 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 पढ़ते पढ़ते सोए, जिससे तुम्हें मोहब्बत है, हाजा निज़ामुद्दीन से है, हा दाता साहब से है, या वो तुम्हारा मुर्शिद है, उसका नक्शा सामने आए कि वो तुम्हारी अंगली को पकड़ के तुम्हारे दिल पे तीर लगा देगा। इन लोगों से काम लें, इनमें रूहानी ताकत है, ये रूहानी ताकत के जरिए तुम्हारे दिल पे अल्लाह लिखेंगे। सुबह उठें वजू है यानी इस दिल का वजू पानी से ही होता है, जिक्र खफी करते रहे, जब तक धड़कन से नहीं मिलता वो जिक्र खफी कहलाता, वो मंजर नहीं है इबादत है, जब ये धड़कन से मिलता है ये जिक्र कर, आज तुझे अल्लाह ने कबूल कर लिया, आज तेरी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी, जो अल्लाह अल्लाह करते करते पर अल्लाह तक पहुंच जाता है, वो हकीकत है, उसका तलक मजहब से कोई ऐसा काम करें जिससे दिल धड़के, वर्जिश करें कि अल्लाह की ज़रूरत लगाए, जब दिल धड़के उस धड़कन के साथ अल्लाह, कभी कभी नमज की आदत है के उसके साथ अल्लाह मिलाएंगे, अल्लाह इसके जरिए मेरे अंदर जाए, किसी भी तरीके से अल्लाह अंदर चला जाए,
ये गर्म नहीं है, तो आप अल्लाह करेंगे तो आपके अंदर गर्मी पहुंचेगी, तो द्रुशी पढ़ें तो उसको ठंडा करो, फिर अल्लाह करें गर्मी लगती है फिर द्रुशी पढ़ें तो ठंडा, लेकिन द्रुशी और अल्लाह ही को जाएंगे मंजिला तो मंजिला। अभी आप नमाज पढ़ते हैं ये बंदूक का रुख जिधर होता है गोली उधर ही लगती है, ये तो मानते हैं ना, तो नमाज का रुख जिधर होता है यूँ उधर लगता है। अल्लाह अब तू नमाज पढ़ता रुख तेरा नमाज ध्यान तेरा कारोबार में है ना, तो नमाज कारोबार में चली गई थोड़ी बहुत बरकत हो गई, नमाज में ध्यान तेरा आटे में है ना तो थोड़ा कहीं से आटा आ गया ना, ऊपर तो नहीं गई ना वो, ये नमाज तो अल्लाह के लिए दी ना, इसको तूने आटे में कारोबार में लगा दिया ना, तो अल्लाह ताला हमारा मैं ऐसी नमाज को मुंह पे दे मार, मैं जिसमें मिलावट है सब कुछ है इसको मुंह में दे मार, जब अल्लाह सीखे ना कोशिश करेगा मैं काम काज करता रहूँ मेरा दिल अल्लाह करता है, इसको बोलते हैं दस्तकार में दिलदार में, फिर कोशिश करेगा कि मैं अखबार रसाला पढ़ता रहूँ गाड़ी चलाता रहूँ मेरा दिल अल्लाह कर, फिर कोशिश करेगा मैं नमाज पढ़ता रहूँ और अल्लाह अल्लाह होती रहे, फिर नमाज पढ़ेगा ना कुल हो अल्लाह का दिल कहेगा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह उसमें दिल कहेगा अल्लाह ही अल्लाह, अब जिधर ख्याल उधर नमाज नहीं, अब ध्यान अल्लाह की तरफ है ना, अब तेरी नमाज भी अल्लाह की तरफ गई ना, क्यों इस जबान का कमाल है यहाँ बोलती है तो अमरीका वाले सुनते हैं, इस दिल का कमाल है यहाँ गूंजता दर्शन वाले सुनते, तुम्हारी इस नमाज को तेरा दिल अर्शे मौला में पहुँचाएगा, वो नमाज मोमिन की मेराज है, वो मिशनी होती है, वो एक नमाज ही पूरी ज़िंदगी में मिल जाए ना इन हज़ारों रकातों से बेहतर है, गया ही नहीं ना वो तो पहुँच गया ही तो ही गया, लेकिन यार हदीसी में यौम मैशर में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा, आगे दूसरी हदीस है कि बगैर दिल की हाजिरी के नमाज नहीं होती, यानी उस नमाज का पूछा जाएगा जिसके साथ दिल शामिल होगा, उस नमाज का पूछा जाएगा, जब तेरे दिल में 24 घंटे अल्लाह ने शुरू हो जाएगा, जो चीज़ दिल में बस जाती है उससे मोहब्बत हो जाती है ना, अब अल्लाह तेरे अंदर बस गया तुझे अल्लाह से मोहब्बत होगी खुद बहुत होगी, जब तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा, दिल को दिल से रहा, वो खुद कहता है कुरान में फर्स्ट तो नहीं है फिर कम तू मेरे जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूँ, मुझे याद रख मैं तुझे, जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता ना तो देखता भी है ना उनका ख्याल भी करता है, जब अल्लाह ने मोहब्बत कर ली फिर तुझे खतरा क्या, फिर तो सुन्नी शिया अभी के चक्कर में नहीं आएगा, बस अल्लाह में लगाएगा उसी की मस्ती में लगा रहेगा, अब तू कहता है उसको मारो वो काफर है, फिर तू कहेगा ये चिमटी जा रही इसके ऊपर भी पाँव नहीं रखना कहीं मार ना जाए मेरे अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह बस सब तेरी हालत ही हो जाए, तो ये ऐसी इबादत है इसको आप हर हाल में कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, सोने से पहले पढ़ते पढ़ते सोचते, हाँ ये दिल को साफ करती है, ये जुबान को पाक करती है, दिल भी पाक तो जुबान भी पाक फिर भलाई चलती है ना, अगर तेरी जुबान पाक है दिल पाक नहीं फिर भी बेकार, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं दिल और जुबान कलब और जुबान जब ये मिलते हैं ना तो तुम्हारी गाड़ी में अंदर चलती है, इसके लिए बेहतर जहाँ जो है ना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है, ये लोग जिस तरह जहरी में फैज पहुँचाते थे ना इस तरह ज़िंदगी के बाद भी फैज पहुँचा सकते हैं, बेशक लेकिन उससे फ़र्क है कि तुम इस फैज के लिए जाते हो ना, तुम जाते हो कारोबार के लिए बीमारी के लिए बच्चों के लिए इस काम के लिए जाते हैं ना, वो बैठे हैं इस काम के लिए बैठे हुए ना, तुम उनको उस काम में लगा रहे हो, हकीकत है जिस काम के लिए वो बैठे हैं उनको उस काम में इस्तेमाल करो ना, वो बैठे हैं तुम्हें अल्लाह से मिलाने के लिए बैठे हैं ना, तुम अल्लाह के लिए जाते ही नहीं वो क्या करें, हाँ सिर्फ फर्क ये है अगर तुम उनकी ज़िंदगी में जाते वो तुमको नसीहत पंद करते हैं ना तुम्हारा रुख अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं ना, तुम्हारा रुख मोड़ते फिर तुम्हारे कलब की तरफ, अब चूँकि तुम उनकी ज़िंदगी के बाद गए हो ना अब तुमको नसीहत पंद कैसे करें, वो कैसे करें, ये वो अपनी किताबें छोड़ गए, अल्लाह तो उन किताबों का मुताला करो और तरीके इस्तेमाल करो फिर उनके पास फैज के लिए हो तो कलब जाइए ना, अल्लाह अब तुम उनकी किताबें भी नहीं पढ़ते मुसीबत की है ना, इनकी किताबें पढ़ें इनके मुर्शिद है उसकी किताबें पढ़ें ख्वाजा साहब की पढ़ें गौस आज़म की पढ़ें फिर आपको पता लगे ना तो फिर आप इन लोग ये चीज़ें हासिल करें ना, आपके लिए बेहतर प्रैक्टिस करें वहाँ बैठें जब जाएँ आँखें बंद करें दिल के ऊपर अल्लाह लिखें
ख्वाजा साहब मेरी इंगली पकड़ो मेरे दिल पे क्यों जी इसके लिए जाओ ना तो अगर अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल ही गया ना भाई अल्लाह मिल गया सब कुछ मिल गया ना इस काम के लिए वहाँ बैठो यहाँ ये हैं महबूब अल्लाह ही हैं ये कामल ज़ात है कामल ज़ात है अजमेर शरीफ वाले हैं ये लोग कामल ज़ात हैं इनमें से ये चीज़ हासिल हो सकती है जो कामल ममात है ना उनसे ये चीज़ हासिल होती है आपकी खुश नसीबी है आपकी शहर की कामल ज़ात है अल्लाह अब ये फैज कैसे पहुँचाते हैं ये भी बता ये जिंदा कैसे हैं तुम्हारे अंदर सब सब मखलूक हैं तुम्हारे अंदर सब मखलूक हैं जी एक क्या जो बोलती है एक क्या जो सोचती है एक क्या तुमको चलाती है ये सब मखलूक इनके अपने अपने काम हैं अगर इसमें एक मखलूक ना हो ये इसका नाम अफवाह है तो फिर तेरी जुबान सही होगी डॉक्टर कहने बोलते नहीं ये बोलती है इस जुबान के जरिए अगर ये ना हो तो कहते हैं ये गूंगा है इंसानों और जानवरों में मखलूकों का फर्क अगर जानवर ये मखलूक होती उनकी भी जुबान है ना वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं ना इसी तरह मगज हमारे से ज़्यादा मगज जानवरों में है ना तो वो सोचते क्यों नहीं है जिधर लगाओ लग जाते हैं उनमें ये सोचने वाली मखलूक नहीं है ना तुम्हारे में सोचने वाली मखलूक तुम्हारे अंदर कुछ मखलूक हैं सत मखलूक हैं एक मखलूक शैतानी है उसका नाम नफ्स है बचपन से बच्चा शैतानियाँ करता है तो उसमें शैतानी ताकत होती है वो शैतानी ताकत के जरिए ख्वाब में बाहर निकलती है शैतानों में ख्वाबें आती हैं ना शैतानों में जाती हो ना तुम तो घर में होते हो ना वो तुम्हारे अंदर की मखलूक शैतानों में जाती है बाकी मखलूक अंदर कमज़ोर हैं जब उनको नूर जाता है नूरी ताकत से फिर वो जो है ना वो भी ताकत पकड़ती हैं तो फिर वो शैतान शैतानों में जाता है ये ख्वाब में निकलती है तो रहमानों में जाती है अल्लाह अल्लाह ये समझे ये सबसे पहले हजूर पाक के कदमों में जाती हैं सुभान फिर पहले ख्वाब में जाती हैं फिर कुछ अरसे बाद होश आवाज़ आदमी जाग रहा होता है चली जाती हैं वाह उन सत में से एक मखलूक है रूह है जिसको ऊपर जाना है बाकी जो है ना उनको नीचे रहना बाकी को नीचे रहना वो जो छः उनको नीचे रहा एक ऊपर चली वो छः मखलूकें जो हैं तुम्हारी वो नीचे रह के कब्र में फैज कुछ और ही पड़ेंगे ना इस तरीके से ये जिंदा है ना बेशक अगर आपने उनको कोई खुराक ना दी ये मखलूक ऊपर चली जाएगी लेकिन वो जो बाकी है ना वो कब्र में ख़त्म हो जाए ताकत नहीं है ना अगर आपने उनको नारी खुराक दी शैतानी खुराक दी तो फिर वो बदरू में कहलाती है वो शैतानी ताकत से अगर लोगों को सताती हैं उनको बदरू में कहते हैं ये सारा खेत इन रूहों का हो ये जिस्म वलियों का भी नबियों का भी कब्र में लेकिन वो जिस जिस्म के अंदर की चीज़ें जिनको ताकत दी है ना वो बाहर घूम फिर ये लोगों को पैसा पहुँचा ये मखलूक हर इंसान के अंदर है तुम्हारे अंदर जो भी इंसान उसके अंदर हैं जिन्होंने इनको जगा लिया अपनी ज़िंदगी में वो जिन वो मर भी जाते हैं फिर भी जिंदा होते हैं जिन्होंने को नहीं जगाया छेड़े हैं अपनी ज़िंदगी में मर गए वो ये 40 साल के बाद एक दो तेरा आस्ते आस्ते ये ख़त्म हो जाती है तेरे नाम एक बाल फरमाते हैं ना तेरी जब कारी तो मेरी जब कारी तेरे अंदर अल्लाह करने वाली चीज़ें थी वही ख़त्म होगी अब अल्लाह कौन कर उसके लिए जिक्र ले लें जो तरीका बताया इस पर अमल करें अगर तो जारी हो गया तो दुआ दे देना ना अगर जारी ना हुआ तुम्हारा क्या बिगड़ा जैसे हो वैसे तरह हो गए अपने आप को पता तो चल जाएगा ना मैं कोशिश करी थी अल्लाह की तरफ जाने की लेकिन मुझे अल्लाह नहीं मिला ये तो मान नहीं रहेगा मुझे रास्ता नहीं आता था हाँ अगर जारी हो गया तो हम तुम्हें बताएं कि नहीं हम कौन है क्या है अगर जारी हो गया तो खुद ही ढूंढ देखो अल्लाह वो सही है अंदर अल्लाह ने शुरू किया तो छोड़ोगे खुद ही ढूंढे मुझे क्या नहीं क्या जरूरत अल्लाह क्या शान है अल्लाह घर में कुरान होता है लिखा हुआ तो पढ़ते हो नहीं लिखते हैं जब तक आंख में नहीं आता इतनी बड़ी कॉपी पढ़ने क्या घर में जब भी लिखे भले अभी लिखा है ना दिल चाहता तुम लोग जब भी लिखे बाबू से कैसे शाही से काली से काली है ना तो काली चीज़ को
जज्म कर लेते हैं। तो बाकी अपने वजू है या नहीं वो दिल में पड़ेंगे, दिल में वजू पानी से नहीं होता, जब लिखेंगे वो जहर में है, जब दिल से करेंगे वो वजू ना हो तब भी है। और भी सिर्फ कहते हैं लोग पढ़ते रहे, घर में जाए पढ़ते रहे, फिर कभी भूल जाएंगे, फिर पढ़े भूल जाएंगे, फिर दिल पे हाथ रखें, दिल धड़के तो उसके साथ हम लोग नमस्ते या कोई वर्जिश करें, कोई ऐसा काम करें जिससे दिल धड़के उसके साथ। ये दिल की तस्वीर ये है, ये जहर की तस्वीर है, इसको हर आदमी पढ़ लेता है, इसको हर आदमी पढ़ सकता है, और जिसकी ये चल पड़ती है ना वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, कलम जारी हो जाता है, फिर सोते बैठते अल्लाह होते दो तीन दिन किसी के अंदर शोर मच जाए फिर आगे मिल जाए। सुबह 10 का टाइम है बेहतर है। अच्छा सर ठीक है, रात का ये टाइम भी बेहतर है मुनासिब है। असर मगरिब के बाद भी लोग आ सकते हैं और मुनासिब और सुबह 10 बजे ठीक है सर। ये अंदर अल्लाह जाएगा दीन आ ही जाएगा ना, ये तो ठीक है दीन का।